आप सब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी दीवारों में से एक है। यह करीब 22,000 किलोमीटर लंबी है। तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर इस दीवार का अंत कहाँ पे होगा, आखिर दीवार कहाँ जाके खत्म होगी? तो आज आप जान लो, इस दीवार का लास्ट पॉइंट भी है जहाँ पे दीवार पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, उसे आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। और क्या आप ऐसी स्प्रे के बारे में जानते हो जिसे आप अगर अपनी बॉडी पे डालोगे तो कपड़े में चेंज हो जाएगी? नहीं जानते ना, तो आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। और क्या आप ऐसे चमगादड़ के बारे में जानते हो जो कि चिकन मुर्गे मुर्गियों को मारकर खाते हैं? नहीं ना, तो इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको शायद ही आज से पहले कहीं पे सुना होगा। सो लेट्स बिगिन। ये फैक्ट ना दुनिया के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है और ये एफिल टावर के बारे में है और आप लोग इसे पहली बार जानोगे। तो देखो, एफिल टावर के टॉप में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इस एफिल टावर के टॉप में एक होटल टाइप में बना हुआ है जिसमें कई रूम्स हैं, किचन है, बार है, कैंटीन है, ये सब वहाँ पे मौजूद है एफिल टावर के टॉप पे, और वो कुछ ऐसा दिखता है। मुझे तो पता ही नहीं था, आज ही पता चला। क्या आप लोग पहले से इसे जानते थे? कमेंट करके बताना। रसिया में एक ब्रिज मौजूद है और उसे कहते हैं रस्की ब्रिज, और ये ब्रिज ना अपने व्यू के लिए काफी फेमस है। और कोहरे फॉग के टाइम शाम में ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। इसे शाम में देखने पर लगता है कि ये ब्रिज बादलों के बीच चला गया है, पर ऐसा वहाँ के फॉग के चलते होता है। बैट को तो आपने देखा ही होगा, चमगादड़, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। बट एक टाइप के चमगादड़ होते हैं हैमर हेड नाम के, और ये चमगादड़ चिकन मुर्गे मुर्गियों पर अटैक करते हैं, उन्हें मार कर खाते हैं। इन्हें जब आप पास से देखोगे तो बिल्कुल घोड़े के जैसे दिखेंगे। और ये बैट ना करीब 30 साल तक जिंदा रहते हैं और कई कई तो इबोला वायरस भी पैदा करते हैं। मैनल टोर्स नाम के एक इंसान ने एक अमेजिंग सा स्प्रे निकाला है, और वो ऐसा वैसा स्प्रे नहीं है बल्कि क्लॉथ स्प्रे है। मतलब अब आपको कपड़ा नहीं पहनना होगा, बस आपको जब लगे कपड़ा पहनना है तब इसे अपनी बॉडी पर स्प्रे कर लो और वही स्प्रे ही कपड़े में बदल जाएगा। सोचो कितनी मस्त सी चीज है क्लॉथ स्प्रे, जो चीन की फेमस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। वो तो हम सबको पता है कि कितनी बड़ी लंबी सी है, अगर कोई चलकर जाए तो करीब 21,196 किलोमीटर चलना होगा तब जाके खत्म होगी। तो इस फेमस वॉल का स्टार्टिंग पॉइंट तो हर कोई दिखाता है, पर क्या आपने कभी इस दीवार की एंडिंग देखी है? नहीं ना, तो आज आप देखो, ये है चाइना के ग्रेट वॉल का एंडिंग प्लेस, जहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, और ये खत्म होकर समुद्र से मिलती। जो बिच्छू होती है उसका जो जहर होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये बात तो हर कोई जानता है, बट इसकी एक खास बात होती है जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। देखो, बिच्छू का जहर इस पूरी ही दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड माना जाता है। इसकी मात्र 1 गैलन की कीमत 2,95,00,000,000 रुपए होती है। सच में, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? देखो, बिच्छू के जहर में बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोटॉक्सिन, जो कि इंसानों के दिमाग में हुए कैंसर के सेल्स को मारने का काम करता है। इसके साथ ही इस जहर से इंसानों में हुए ट्यूमर का पता लगाने तथा मच्छरों से हुए मलेरिया को खत्म करने के लिए इसी एसिड को यूज किया जाता है। तो यही सब मेन रीजन है जिसके चलते बिच्छू के जहर को इस पूरी ही दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड माना जाता है। इस अमेजिंग से नेचर में इतनी सारी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं है, आपसे हिडन है। देखो, ये बात सबको पता है कि हर प्रजाति बेबीज को जन्म देती है, तो अभी मैं जो आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो आपके माइंड को हिला देगा। देखो, एक प्रजाति का जानवर एक साथ कितने बच्चों को जन्म दे सकता है, इसी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आता है इंसान, और इंसान एक साथ सिर्फ एक ही बच्चे को या ज्यादा से ज्यादा दो ही बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। इसके बाद देखो, एक होती है ग्रेट व्हाइट शार्क, वो एक साथ लगभग 9 बच्चों को जन्म देती है। और इसके बाद आती है फ्लाई, घरेलू मक्खी, एक साथ 120 बच्चों को जन्म देती है। और एक होती है हॉर्नेट फ्रॉग, और ये फ्रॉग एक साथ 1500 बच्चों को जन्म देती है। और फिर आता है केकड़ा, क्रैब, एक केकड़ा करीब 1500 बच्चों को एक साथ जन्म देता है। और एक ऑक्टोपस 1,00,000 बच्चों को एक साथ जन्म देती है। सोचो, 1,00,000 बच्चे एक साथ। और एक ड्राइवर आंट नाम की एक चींटी की प्रजाति होती है, और वो जब अंडे देती है तो एक साथ 30,00,000 बच्चों का जन्म होता है। इसलिए मैंने एक बार अपनी एक वीडियो में बोला था कि अगर आप तराजू के एक तरफ इंसानों को रोकोगे और दूसरी तरफ सभी चींटियों को रोकोगे तो दोनों का वेट बराबर ही रहेगा। सोचो, पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा चींटियां हैं। और एक टूना फिश नाम की फिश होती है, और ये फिश 2.5 करोड़ बच्चों को एक साथ जन्म देती है। मतलब समुद्र में एक साथ 2.5 करोड़ मछलियां बढ़ जाती हैं। और एक सनफिश नाम की फिश होती है, और वो एक साथ 300 मिलियन यानी करीब 30 करोड़ बच्चों को जन्म देती है। और सबसे लास्ट में आता है जायंट क्लैम, और एक जायंट क्लैम एक साथ 500 मिलियन यानी करीब 50 करोड़ बच्चों को एक साथ जन्म देती है। ये समुद्र इतना ही रहस्यमयी है, इस समुद्र में इतने जीव हैं जिनको इंसानों ने कभी देखा भी नहीं है। अभी तक हम लोग समुद्र से ज्यादा चांद को एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो ये कुछ अमेजिंग जीव थे जो कि एक साथ लाखों बच्चों को जन्म देते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है ये क्या है, क्या आप जानते हो? नहीं ना, तो देखो, ये तितली के अंडे हैं जो पत्ते के निचले सतह पर तितली रखती है। तितली ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके बच्चे जैसे ही अंडे से बाहर आएं वैसे ही उस पत्ती को खाने लगे, जिससे उन्हें आसानी से खाना मिल जाए। जब भी आप टीवी या फिर सिनेमा हॉल में मूवीज देखने जाते हो तब आपको मूवी के स्टार्ट होने से पहले ये पेज देखने को मिलता है। तो आखिर ये क्या होता है?
इसे दिखाए बिना मूवी आखिर स्टार्ट क्यों नहीं होती, क्या आपने सोचा है? नहीं ना, तो देखो ये मूवी सर्टिफिकेट होता है और ये खास तौर पे ऑडियंस के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि मूवी देखने वाली जनता को पता चल सके कि इस मूवी में आखिर क्या है, मूवी का कंटेंट क्या, क्या इस मूवी को बच्चे देख सकते हैं या नहीं, मूवी में कितने खतरनाक सीन और लड़ाई झगड़े हैं, ये सब आप पता कर सकते हो सिर्फ 10 सेकंड के इस सर्टिफिकेट को ही देखकर। वो कैसे? तो देखो, अगर आप किसी मूवी के स्टार्ट होने से पहले उसमें देखो कि यू लिखा हुआ है और हिंदी में आ लिखा हुआ है, तब इसका मतलब होता है कि वो मूवी अनरिस्ट्रिक्टेड है और उसे हर कोई देख सकता है, चाहे वो बच्चा हो या जवान, मेल हो या फीमेल, हर कोई देख सकता है। इसके बाद आपको किसी मूवी में यूए और हिंदी में आवा देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड विद कॉशन, मतलब हर कोई देख तो सकता है पर ध्यान से, और जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही देखे इस मूवी को, अकेले नहीं देख सकते। इसके बाद आता है ए, हिंदी में वा मतलब अडल्ट ओनली, इस टाइप की मूवी को सिर्फ 18 साल के ऊपर के ही लोग देख सकते हैं और कोई नहीं। और एक रेयर टाइप का सर्टिफिकेट होता है जिसमें एस लिखा होता है, इसका मतलब होता है स्पेशल मूवी, इस टाइप की मूवी को जनता नहीं देख सकती, इसे सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही देख सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर, ये लोग देख सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए आपको किसी भी मूवी के सर्टिफिकेट में एस देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि वो पब्लिक के लिए होता ही नहीं है। तो कुछ खास सर्टिफिकेट थे जो कि मूवी के स्टार्ट होने से पहले दिखाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि जो ट्रेन या फिर एरोप्लेन्स की सीट्स होती हैं वो ज्यादातर ब्लू ही कलर की क्यों होती हैं? इतने सारे कलर हैं, किसी भी कलर की हो सकती, वो आखिर ब्लू ही कलर की क्यों होती? तो आप जान लो, हर एक कलर का अपना एक मीनिंग होता है और इंसान का माइंड हर एक कलर को एक मीनिंग के साथ जोड़ता है। तो जो ये ब्लू कलर है ये सिक्योरिटी और रिलैक्सेशन को दर्शाता है, मतलब माइंड जैसे ब्लू कलर को देखता है वैसे उसको सेफ फील होने लगता है। आपको पता है जापान के टोक्यो शहर की स्ट्रीट लाइट को जैसे ही ब्लू कलर में बदल दिया गया वैसे ही वहाँ पर जो क्राइम का नंबर था वो घटने लगा। ब्लू लाइट सच में अमेजिंग है, ये इंसान के बॉडी और माइंड को शांत कर देता है, और ये भी पाया गया है कि ब्लू लाइट प्लांट्स के ग्रोथ को बढ़ा देता है, इसलिए ब्लू कलर इतना अमेजिंग होता है। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप चिंगम खा रहे हो और गलती से उसे निगल गए और फिर सोच रहे हो कि अब क्या होगा, या फिर आप हर रोज जाने अनजाने में चिंगम खाकर निगल ही जाते हो, आदत ही डाल लिया है, तो क्या होगा, कहीं मौत तो नहीं हो जाएगी? ये सब आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा। तो देखो, मान लो अगर आप चिंगम खा रहे हो और गलती से उसे निगल गए तो क्या होगा कि जो चिंगम होगा करीब 3 दिन तक आपके पेट में रहेगा, उसके बाद आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर देगी, मतलब गलती से निकले गए एक चिंगम से कुछ नहीं होगा। बट अगर आप इसे आदत ही बना लिया तो आपको मार भी सकता है, क्योंकि चिंगम बाकी फूड्स की तरह जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होता। तो मान लो कोई व्यक्ति चिंगम डेली निकलते ही जा रहा है तब ये उसके पेट में ब्लॉकेज करना शुरू कर देगा, जो कि टाइम टू टाइम डेंजरस होता जाएगा। साथ ही इसको पचाने में कई गैसें पेट में अनवांटेडली जमा होती रहेंगी, जिसके चलते पेट में प्रेशर बनने लगेगा, धीरे धीरे आपके पेट में अकड़न फील होने लगेगी, जिसके चलते हेल्थ डाउन होती जाएगी। तो ये सब मेन रीजन है जिसके चलते चिंगम को नहीं निकलना चाहिए। देखो, एक टाइप का तोता होता है जिसे ड्रैगन पैरेट कहते हैं, और इस पैरेट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और ये दुनिया के सबसे यूनिक पैरेट्स में से एक होते हैं। बट इस तोते को बहुत कम ही लोगों ने देखा है, और ये पैरेट ना काफी सुंदर और इंटेलिजेंट भी होते हैं, आप देख सकते हो। क्या आपने कभी कैट आई सिंड्रोम के बारे में सुना है? कैट आई सिंड्रोम यानी कि CES, देखो एक रेयर आंख का डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत लोगों को जन्म से ही होता है, और इस डिसऑर्डर में आंखें सेम टू सेम कैट्स की तरह हो जाती हैं, आप देख सकते हो। देखो, लेडी बग मींस होता है ये जीव, इन्हें आपने कभी ना कभी बगीचों में देखा ही होगा। तो क्या है कि इन्हीं लेडी बग में कुछ स्पेशल टाइप के गोल्डन कलर के लेडी बग होते हैं, आप इन्हें देख सकते हो, और एकदम सोने की तरह होते हैं, और इन्हें गोल्डन लेडी बग कहा जाता है, और इसे पास से देखने में ऐसा लगेगा कि ये सच में गोल्ड का बना है, रियल गोल्ड का, ये इतने ज्यादा रियलिस्टिक दिखते हैं। फायर हैक्स ऐसे पक्षी होते हैं जो कि जिस जंगल में रहते हैं उसी जंगल में आग भी लगाते हैं। देखो, ऐसे पक्षी होते हैं जिन्हें अगर जंगल में कहीं भी थोड़ी सी आग दिख जाए तो सूखी लकड़ियों की मदद से उसी जंगल में आग को फैला देते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जैसे ही जंगल में आग लगती है वैसे ही छोटे छोटे जीव, पक्षी, कीट, ये सब अपने अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, और ये फायर हैक्स पक्षी उनका शिकार कर लेते हैं। सोचो, सिर्फ शिकार के लिए ही ये जंगल को आग लगाते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस को आगे फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।